अगर आप भी चाहते हैं घर पे पैकेट वाले मिल्क से दही जमाना, तो आप इस तरह से ये ट्रिक फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब नेहा नितिन क्रिएशन, क्लिक ऑन द रेड बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नितिन क्रिएशन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये पैकेट वाले मिल्क से कर्ड कैसे बना सकते हैं घर पे। बहुत ही ईजी रहता है, तो आज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये गैस पे पतीला चढ़ा दिया है। अभी मैं इसमें मिल्क का पैकेट कट करके इसमें ये मिल्क इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा मिल्क है, जो दो पैकेट मिल्क था, उसको पतीले में निकाल लिया है पूरा। अभी इसको गैस ऑन करके 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गरम करेंगे मिल्क को। फिर उसके बाद हम इसको सिम कर देंगे। मैंने इस मिल्क में कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि पैकेट वाला जो मिल्क रहता है ऑलरेडी बहुत पतला ही रहता है, तो मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। ये बिना पानी का मिल्क है। ये एक पैकेट वाला काऊ मिल्क मैंने यूज़ किया है। इसको 5 मिनट हो चुका है, इसमें हल्का सा बॉयल आ गया है। तो अभी हम इसको सिम कर देंगे गैस को, और इसको थोड़ा अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना होने लगे और अच्छे से पक जाना चाहिए मिल्क आपका। क्या होता है ना कि जो गाँव में मिल्क रहता है, जो गाय या भैंस से डायरेक्ट हम लेके आते हैं, उसका जो टेक्सचर और क्वालिटी रहती है वो थोड़ा अच्छी होती है, थिक रहती है। और पैकेट वाले मिल्क क्या होते हैं, बहुत उनका टेक्सचर थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो जाता है। गांव वाले मिल्क का जो रहता है डायरेक्ट भैंस का, उसका अच्छा दही जम जाता है बिना किसी आपको प्रॉब्लम के सही से। लेकिन ये पैकेट वाले में कई बार क्या होता है कि वो दही जो जमता है वो स्टिकी हो जाता है, अजीब सा उसमें स्टिक कि जैसा होता है वो हो जाता है। और कई बार होता है कि उसमें पानी भी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आप कैसे पैकेट वाले दूध से अच्छा दही जमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मिल्क काफ़ी अच्छे से पक गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। कभी भी आपको अगर दही जमाना है तो आप गर्म बहुत ज़्यादा मिल्क रहेगा उसका दही मत जमाइए, या फिर डायरेक्ट फ्रिज का निकला हुआ ठंडे मिल्क का भी दही मत जमाइए। इससे क्या होगा, आपका दही कभी भी अच्छे से नहीं जमेगा। हमेशा आप मिल्क को हल्का गर्म होता है जो उसका दही जमाइए। तो ये मिल्क अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी। ये हल्का ल्यूक वॉर्म जब रहेगा तब मैं इसमें दही जमाऊँगी। अभी मैं ये जो मिल्क है इसको इस पतीले से इस बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी ये जो मिल्क है वो हल्का गर्म है, नॉर्मली ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का है। देखिए आप इजीली हम इसको पकड़ पा रहे हैं। और आप कोशिश करिए, अगर आपके पास ऐसे कांच का बाउल हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप अगर नॉर्मल किसी भी बाउल में जमाएंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे फेंट लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे ये मिल्क जो है ल्यूक वॉर्म जो हो गया है बिल्कुल ही ठंडा, और इसको मैंने फेंट भी लिया है, 2-3 मिनट तक अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। इसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे ये जामन है, ये हार्डली 1 चम्मच है आप देख रहे हैं, और ये घर का बनाया हुआ दही जो है उसी का जामन है। कोशिश करें आप घर के हुए बने हुए दही का ही ये जामन इसमें लगाएं। तो ये अभी इसमें मैं डाल दूँगी, ये देख रहे हैं आप 1 चम्मच है बस, इसमें ये मिला दूँगी मैं। और इसको डालने के बाद एक बार फिर मैं अच्छे से इसको फेंट दूँगी, ताकि अच्छे से पूरा इसमें मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से फेंट के मैंने इसको और इसमें दही मिला के रख दिया है। अब मैं इसको ढक के ओवरनाइट रख दूंगी। इसके लिए इसको ऐसे जगह रख के जहाँ इसको बार बार कोई टच ना करे या खोले ना, क्योंकि एटलीस्ट इसको 6 से 7 घंटे का रेस्ट चाहिए रहता है। तो इसको आप इस तरह से रख के छोड़ दीजिए। अगर आप इसको हॉट केस में रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, जिससे कि इसको ज़्यादा गर्माहट मिलती रहेगी, बट मैं इसको ऐसे नॉर्मली छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको ओवरनाइट मैंने रखा था दही, ये भी पूरा तैयार हो गया है। देख रहे हैं इसमें कैसा अच्छा एक थिक कंसिस्टेंसी में ये जमा है, एक लेयर देख रहे हैं ये मलाई की तरह, ये भी पूरी अच्छे से आई है इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है इसने। ये यहाँ पे देखिए कितना अच्छा थिक और रिच दही ये जमा है,
ये आप देख रहे हैं। तो आप इस तरह से आसानी से पैकेट वाले मिल्क से भी घर में दही जमा सकते हैं। बस एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि मिल्क का जो टेम्परेचर है वो ना ही ज्यादा ठंडा हो और ना ही ज्यादा गर्म हो। तो जब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका मिल्क रहता है तो बहुत अच्छा है, दही जमता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम ऊपर से इसमें मोटा सा लेयर भी है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा और ये थिक कंसिस्टेंसी में जमा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।